ग्राम सहरा ब्लॉक बटियागढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश के दौरान आता है, जहां के टोटल वार्ड नंबर 16 है और ये जो पानी की समस्या है वो वार्ड नंबर 1 और 2 की है। वार्ड नंबर 2 में जो आदिवासी समुदाय है वहां एक हैंडपंप है सरकारी, जो पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है, जिसकी मिट्टी उसी के गड्ढे में खिसक चुकी है और यहां इसका सामान भी पूरा खराब हो चुका है, जिसका पुनर्निर्मित होना जरूरी है, तब इसमें पानी पुनः प्राप्त होगा। और वार्ड नंबर 1 में रहने वाली राधाबाई जो विकलांग है उनको खेतों से चोरी करके पानी भरना पड़ता है, यहाँ के जो खेतों में मोटर चालू होती है सिंचाई के लिए, तब राधाबाई जाके पानी भरती है और उसके पूरे परिवार के बच्चे से लेके महिलाएं पानी के भरे बर्तन लेके आती हैं। एक बार राधाबाई पानी भरते समय दुर्घटना से ग्रस्त भी हो चुकी हैं, उनको जो है वो पानी भरने जाती हैं, चिकनी मिट्टी होने के कारण वो खिसक गई थी, उनको हाथ में 5-10 टांके भी आए हुए हैं, जो जहाँ चूड़ी वह महिलाएं पहनती हैं वो बीच नारी पे है। तो अभी आप लोग कहाँ से पानी भरते हैं? अब किसानों के नाम से भरत मशीन मोटर 40 2 दिन के लाना भर लाओ भलाई लाइट से फिर भर लो किसानों। तो 2 दिन के लिए क्यों भरते हैं? 20 लाख कैब को करे व्यवस्था नन जाने नाल माल से भर लो अब आस होता तो पिघत रहे लाइट नहीं आती है दो दिन तक ने लाइट आवे अब नाल होती तो फिर थोड़ो सा भर दे। तो आपके साथ कभी कोई दुर्घटना हुई पानी गए पिकल एक गए थी सो 10 टांके लगी सो चरण डॉक्टर ने दवाई करी थी। तो आपके यहाँ कोई भी सरकारी नल नहीं है? एक है एक बार में सुबह बिगड़ो सुबह कोमी सदर आव दिया। तो वो कहाँ लगा है? आदिवासी में। तो आप लोगों ने इतने दिनों से क्यों कोई कोशिश नहीं किया? आपको सुनता ही नन्या दीदी सरपंच मरपंच को नहीं सुनाती, हमारो की कुआ सुन रहा है गरीबों की। इस बस्ती में सिर्फ राधाबाई नहीं, ऐसे आदिवासी और लोधी समुदाय के 200 लोग हैं जो पिछले 40 सालों से यहां रह रहे हैं और पानी की समस्या से पीड़ित हैं। इसी बस्ती में एक सरकारी कुआं भी किया गया जो सूखा पड़ा है और इतनी बुरी स्थिति में उसको तैयार किया गया है कि अगर भरे कुएं के घाट पे अगर कोई खड़ा होगा तो खिसक के उसी कुएं में गिर जाएगा। लगभग यहाँ पीने के पानी की जो है लापरवाही है और जो इनका अधिकार है कि हर परिवार को स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो वो इनका अधिकार है, जो पीएचई विभाग के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है वो इन्हें मिलना ही चाहिए। अब लाइट नहीं है तो परेशानी है तो कुआ करवाओ तो मतलब जी मोटर बंद हो जाए कुआ में से भर लिया जाते हैं, ये ऐसी चल रही स्थिति। और जो यहाँ सरकारी कुआ एक है उसमें पानी क्यों नहीं है दादा? नहीं अब मैं कहा हूँ 40 फुट जाने आहे नहीं है 20 फुट पैसा पूरे खाने सो गए खा पी लो आगे समझ में डरो है बंडा सो। कब बना था ये कुआ? पिछली साल यही साल में बनो। तो ये हैंडपंप जो है ये कैसा है? ये तो चालू वाला था लेकिन वो पानी नहीं निकल रहा है उसमें। क्यों नहीं निकलता है पानी? उसकी राटे खराब है। ये कितने फुट गहरा है? ये 63 फुट गहरा। और इसमें पानी की मात्रा अच्छी? पानी तो अच्छा है उसमें। तो इसके लिए अभी तक आप लोगों ने कोई आवेदन किया है? नहीं अभी तक नहीं किया। आप सभी देखने वाले श्रोताओं से मेरी अपील है कि मेरी इस समुदाय की मदद करें और अपना प्रभाव अधिकारी पे बनाएं। जो हमारे अधिकारी महोदय हैं उनका नाम है श्रीमान मिश्रा जी जो ब्लॉक बटियागढ़ के SDO हैं, उनको फोन कर अपना दबाव बनाएं, जिनका नंबर है 94-25-67-28-45। मैं आरती वाल्मीकि ग्राम सहरा से इंडिया अनहट के लिए।